ऑल इंडिया हेयर एंड ब्यूटी एसोसिएशन की ओर से होटल विष्णुप्रिया में आयोजित 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय हेयर कटिंग कार्यशाला का सोमवार को समापन हुआ। इस कार्यशाला में उदयपुर सहित मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर और कोटा से आए 17 हेयर एक्सपर्ट्स ने भाग लिया। 2 से 6 जनवरी तक चली इस कार्यशाला में हेयर कटिंग, स्टाइलिंग और बालों में कलर करने के तरीकों के बारे में बारीकी से प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही बालों में शैम्पू, लाइन बैलेंस, कलर लेंथ जैसे कई आधुनिक हेयर कटिंग के भी गुर इस कार्यशाला में सिखाए गए। इस अवसर पर ब्यूटी एक्सपर्ट अशोक पालीवाल ने बताया कि कार्यशाला में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद इन एक्सपर्ट्स की टीम 11 सदस्यों के साथ जर्मनी जाएगी। First time for India to go to Hair World, that's I think the milestone for India hairdressing industry. So I'm really honored to have this opportunity to share my knowledge with this the first group challenging people. Okay, so in the past 5 days we have done a lot, from every day from 9 o'clock to 12 o'clock. Yesterday we got to almost 2 o'clock. So I feel so surprised with India friends, and they are so diligent, they are so hardworking people. Even though now for competition industry they are new, but they have the energy and the spirit to learn everybody. यहाँ पर 17 पार्टिसिपेट हैं अभी, और इसमें मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलोर, कोटा, उदयपुर से 17 लोग आए हैं, और वो लगातार 5 दिन से कड़ी मेहनत कर रहे हैं, नई नई तरह की कलरिंग, स्टाइलिंग और हेयर कटिंग की टेक्निक सीख रहे हैं, और मैनिक्योर पे मेकअप कैसे किया जाए, किस तरह से कट को बैलेंस किया जाए, किस तरह शेप दिया जाए, ये इन बारीकों को सिखाने के लिए हमने चाइना से जो वर्ल्ड लेवल की चैम्पियन है रोज ली, वो हमारे बीच में आई है और वो ट्रेनिंग दे रही है। जी, हमने अभी इस वर्कशॉप से हमने 11 लोगों को सेलेक्ट किया है जो जर्मनी फ्रैंकफर्ट में 3 से 5 मई को जो वर्ल्ड कप होने वाला है उसमें जाएंगे।